ओके सो GIT में आपने ऑलरेडी जो है वो नर्वस सिस्टम सारा इसका पढ़ लिया, किस तरह से इसका अपना नर्वस सिस्टम काम करता है और किस तरह से ऑटोनॉमिक इसका कंट्रोल है, रिफ्लेक्सेस को भी एक ओवरव्यू किया है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हार्मोनल कंट्रोल के, हार्मोन किस तरह से मोटैलिटी को और सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ GIT को जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, किस तरह उस पर नज़रअंदाज होंगे। सबसे पहले हमारे पास असर अंदाज होंगे आ जाता है गैस्ट्रिन। आपको पता होना चाहिए कहाँ से रिलीज हो रहा है, किसके रिस्पॉन्ड में रिलीज हो रहा है और इसका एक्शन क्या है। सिर्फ ये तीन बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गैस्ट्रिन आपने सबसे पहले याद रखना है, जी सेल्स ऑफ स्टमक म्यूकोजा से जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है। कहाँ से रिलीज हो रहा है, जी सेल ऑफ स्टमक म्यूकोजा से। क्यों रिलीज हो रहा है, तीन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। जब हमने खाना खाया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हमारा जो स्टमक है वो डिस्टेंड कर गया, तो सबसे पहला ये क्यों रिलीज़ हो रहा है, डिस्टेंशन की वजह से। दूसरी बात है, इसका रिलीज़ क्यों हो रहा है, जब हमने प्रोटीन प्रोडक्ट खाया, हमने बहुत सारा गोश्त खा लिया, बहुत सारा मीट खा लिया, जिस वजह से प्रोटीन हमने ज़्यादा इंजेस्ट कर लिए, तो उन प्रोटीन प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स में भी जी सेल्स ऑफ स्टमक म्यूकोजा से गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है। थर्ड, इसका रिलीज़ जो है वो नर्वस है, ठीक है। क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स हैं, स्पेशली जो वेगल नर्व है, वो आके गैस्ट्रिक म्यूकोजा की नर्व्स को स्टिमुलेट करती है और गैस्ट्रिक म्यूकोजा की जो नर्व्स हैं वो रिलीज़ करती हैं हमारे पास गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड GRP, और इसके रिस्पॉन्स में गैस्ट्रिन रिलीज होता है। कहाँ से होता है और क्यों होता है ये देख लिया, अब इसका एक्शन क्या है। दो काम ये करता है, एक तो ये हमारे पास क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करेगा। क्या करेगा, गैस्ट्रिन है तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवाएगा, और दूसरा ये क्या करेगा कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना बच्चों, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ग्रोथ में हेल्प करेगा। कहाँ से रिलीज़ होता है, क्यों रिलीज़ होता है और क्या करता है देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, वाइवा में मुझसे पूछा गया था, कॉलीसिस्टोकाइनिन कहाँ से रिलीज़ होता है। ये रिलीज़ होता है आई सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ड्यूडेनम से भी, जेजनम से भी और सम हाउ इलियम से भी, ठीक है। अब ये रिलीज़ क्यों होता है, जैसे इसकी स्टिमुलस ये थे, इसका रिलीज़ होता है फैटी फूड, ठीक है। जब हम कोई फास्ट फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, बहुत सारे फैट्स खा लिए, या हमारी डाइट के अंदर मोनो एसाइल ग्लाइसरोल यानी लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट थे, तो तब क्या होता है कि हमारे पास ये आई सेल से CCK रिलीज़ होता है। अब इसका इफेक्ट क्या है, इसके इफेक्ट बड़े मज़े के हैं, ठीक है। तीन इफेक्ट्स हैं इसके। सबसे पहले ये CCK क्या करता है, जाता है और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है बच्चों, ये जाके गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है और गॉल ब्लैडर से किसको रिलीज करवा के लाता है, बाइल सॉल्ट्स को रिलीज करा के लाता है। ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं, जब ये आते हैं कहाँ पे, ड्यूडेनम के पास आते हैं, और ड्यूडेनम में क्या पड़ा हुआ था जिसके रिस्पॉन्स में CCK गया, बहुत सारे फैट्स पड़े थे, ठीक है। ये बाइल सॉल्ट्स इन फैट्स की इम्यूलसिफिकेशन में हेल्प करते हैं, आपको पता है बाइल सॉल्ट्स के पास इम्यूलसिफाइंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके अलावा इन फैट्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करते हैं। तो ये समझ आ रहा है कि CCK गॉल ब्लैडर के पास गया, वहाँ से बाइल सॉल्ट्स रिलीज कराए, ताकि वो बाइल सॉल्ट्स इन फैट्स की एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में और इनकी इम्यूलसिफिकेशन में हेल्प करें। दूसरा इसका क्या काम होता है कि ये स्टमक के पास जाता है और स्टमक की इम्पटिंग को भी इनहिबिट कर देता है। आपको पता है जब भी हम फास्ट फूड खाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा जब हम खाते हैं, कोई एक बर्गर खा लिया, कुछ खा लिया, मैं सकता है हमारा बिल्कुल पेट जो है वो फुल हो गया। क्यों, क्योंकि स्टमक से खाना नीचे जा ही नहीं रहा होता, थोड़ा थोड़ा जा रहा होता है, स्टमक हमारा बिल्कुल फुल हो चुका होता है, क्योंकि उसके उस फैट के रिस्पॉन्स में CCK ने स्टमक इम्पटिंग को भी इनहिबिट कर दिया, और साथ ही साथ वो ये करता है कि हमारी एपिटाइट को भी रिड्यूस कर देता है। थोड़ा सा ही फास्ट फूड खाने के बाद हम रट जाते हैं, हम कहते हैं और हमें भूख नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि ये CCK वेगस नर्व को एक्टिव करता है, और वेगस नर्व जाके हमारे हाइपोथैलेमस में पड़ा हुआ होता है फीडिंग सेंटर, उसको इनहिबिट कर देती है। ये आप लिम्बिक सिस्टम में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें कि CCK एक तो जाके गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन कराता है, दूसरा स्टमक इम्पटिंग को डिले कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है कुछ टाइम के लिए, और एपिटाइट को भी रिड्यूस कर देता है। हमें लगता है हमारा पेट भर गया। सो CCK कहाँ से रिलीज़ होता है, क्यों रिलीज़ होता है, क्या करता है, हमने देख लिया। थर्ड पे आते हैं सिक्रीटिन। सिक्रीटिन अब कहाँ से रिलीज़ होता है, सिक्रीटिन रिलीज़ होता है एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजनम एंड आइलियम, ठीक है। सेम एस सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बेशक कर लो, एस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से ये रिलीज़ हुआ है। क्यों रिलीज़ हुआ है, इसके लिए स्टिमुलस क्या था, इसके लिए स्टिमुलस था गैस्ट्रिक एसिड। जब बहुत सारा गैस्ट्रिक एसिड स्टमक के पाइलोरस से नीचे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज़ होता है, उसके रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है सिक्रीटिन, और सिक्रीटिन कुछ ऐसा करेगा कि इस गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसलिए सिक्रीटिन जाएगा पेनक्रियास के पास, ठीक है, वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ कराएगा, और पेनक्रियाटिक जूस में हमें पता है मोस्टली क्या होता है, बायकार्बोनेट, और ये बायकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करेंगे इस गैस्ट्रिक एसिड को। उसके साथ साथ ये जो सिक्रीटिन होता है, टेबल में वो बता रहा है कि सिक्रीटिन जाता है और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी इनहिबिट करेगा, ठीक है, ये चीज़ भी एक आपने याद रखनी है। सो सिक्रीटिन क्यों रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ, और इसने क्या किया, हमने देख लिया। थर्ड बात आ जाती है GIP की, जिसको हम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड भी कहते हैं। ये आपने इसका दूसरा नाम याद रखना है कि ग्लूकोज डिपेंडेंट होता है। ये क्यों रिलीज हुआ,
रिलीज़ होता कहाँ से है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक आपने इसकी स्पेसिफिकेशन याद रखनी है कि ये के सेल से रिलीज़ होता है, ये एस सेल से, ये आई सेल से, ये जी सेल से, जबकि ये के सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजनम से रिलीज़ होता है। और ये रिलीज़ क्यों हुआ, जब हमारी डाइट में, हमारे खाने में बहुत सारे अमीनो एसिड्स थे, ठीक है, फैट्स थे, और टू अ लेसर एक्सटेंट जबकि कार्बोहाइड्रेट था, तो ये रिलीज़ हुआ। कार्बोहाइड्रेट ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि इसलिए हम इसको ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड भी कहते हैं। लेसर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में भी ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, लेस टू अ लेसर एक्सटेंट। और ये करता क्या है, जब ये देखता है कि इंटेस्टाइन में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई और इंटेस्टाइन ओवरलोड हुआ हुआ, तो ये कहता है इंटेस्टाइन पहले इनको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए ये ऊपर जाके स्टमक की इंपटिंग को इनहिबिट कर देता है ताकि जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं ओवरलोड हुआ हुआ है ऑलरेडी इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन को पहले उन्हें एब्जॉर्ब करने दो फिर ऊपर से भेजना, ठीक है। तो ये जाके क्या कर रहा है, स्टमक को इनहिबिट कर रहा है। उसके अलावा इसको हम ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास इंसुलिन सिक्रीशन भी कराता है। क्या भी कराता है, इंसुलिन सिक्रीशन भी कराता है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, स्टमक को इनहिबिट करता है, स्टमक इंपटिंग को इनहिबिट करता है, और इंसुलिन सिक्रीशन कराता है, ठीक है बच्चों। तो ये चारों आई होप आपको समझ आ गए होंगे। एंड पे हमारे पास आ जाता है मोटिलिन। मोटिलिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो आपने याद रखना है कि मोटिलिन प्रोड्यूस कब होता है, ठीक है, और एक आपने इसके हवाले से याद रखना है MEC मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक तो हमारे पास मोटिलिन क्यों रिलीज होता है, तो याद रखना है ये फास्टिंग कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, जब बहुत देर के लिए हम खाना नहीं खाते तो लगता है ना कि हमारे स्टमक में एक वेव सी प्रोड्यूस हुई है, और हम कहते हैं हमारे पेट में चूहे दौड़े हैं, वो एक वेव सी जनरेट होती है जो मोटिलिन हार्मोन के रिस्पॉन्स में जनरेट होती है। वो क्यों जनरेट होती है, जब हमने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया, ठीक है, और फिर ये मोटिलिन जो है वो एक्ट करता है और ये पूरी एक स्वीपिंग वेव जनरेट करता है कि शायद कुछ स्टमक में पड़ा हुआ हो, कोई टुकड़ा खाने का, शायद स्मॉल इंटेस्टाइन में या ऊपर इसोफेगस में कुछ हो, तो एक वेव जनरेट होती है, और अगर कोई टुकड़ा पड़ा हुआ भी होगा, यानी इसका स्वीपिंग एक्शन होता है झाड़ू फेरने का, ये देखती है अगर कुछ हो तो उसको ले आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसमें से कुछ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करता है तो हमें थोड़ी देर के लिए आसरा हो जाता है। लेकिन अगर ना हो तो ये हर 90 मिनट्स के बाद वेव जनरेट होती है और यहाँ से स्वीपिंग करती रहती है, एक झाड़ू फेरने वाला इसका काम होता है, उसको MEC भी कहते हैं, मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। और जब फिर हम खाना खा लेते हैं ना, तो फिर तो नहीं कोई भूख वाली वेव जनरेट होती पेट में, तो फिर ये मोटिलिन जो है वो खाना खाने के बाद इनहिबिट हो जाता है। नॉर्मली ये क्यों प्रोड्यूस हुआ है, फास्टिंग कंडीशन में इसका स्वीपिंग एक्शन है, ये एक वेव जनरेट करता है जो पूरे GIT के वॉल्स के अलॉन्ग रन करती है और एक स्वीपिंग एक्शन परफॉर्म करती है। तो बस यहाँ तक ये हार्मोन से इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल कोरिलेट्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपने कर लेना है।